बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि PTCL वायरलेस का जो पासवर्ड है वो हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र खोलना है और उसमें आपने IP एड्रेस डालना है, ठीक है, 192.168.1.1, ये आपका IP एड्रेस है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये विंडो जो है ये आपकी पास खुल जाएगी, और यहाँ से अगर ये फोकस हो सके तो मैं आपको दिखाऊँ, ये आपके पास विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना एडमिन और अपना पासवर्ड डालना है, जो कि आपके मोडेम के वायरलेस का जो मोडेम होता है उसके बैक साइड पर होता है, उसमें एडमिन और जो आपका जो पासवर्ड है ना वो वहाँ लिखा होता है, वो आपने देख कर यहाँ पे डाल देना और लॉगिन कर जाना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड हम दोबारा से डालते हैं। तो ये अब जो है आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, और इस साइड पर आपने क्या करना है कि तो आपने क्या करना है कि इस साइड पे आप जैसे देख सकते हैं कि नेटवर्क को आपने क्लिक करना है। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ इस साइड पे। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये नेटवर्क है, इसको क्लिक करना है। नेटवर्क को जब आपने क्लिक किया तो ये चीज़ें आ गई। इसमें आपने WLAN को क्लिक करना है, ठीक है। WLAN को क्लिक किया, WLAN को जब आपने क्लिक कर दिया तो अब आपके सामने ये विंडो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिक्योरिटी में पहले नेटवर्क को क्लिक किया हमने, फिर WLAN को क्लिक किया, फिर अब हम जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी का जो आपका आइकन है, लिंक है, इसको क्लिक करेंगे। तो ये हमने सिक्योरिटी के उसको लिंक को क्लिक किया तो ये विंडो आपके सामने आ गई, ठीक है। सिक्योरिटी को ये विंडो आपके साथ सामने आ गई है। तो अब ये जो सामने आपके पास लिखा हुआ है ना कि क्या लिखा हुआ है, WPA पास फ्रेज, ये आपका वाईफाई का पासवर्ड है। एक तो आपका मोडेम का जो पासवर्ड है ना वो तो और है, वो तो हमने एडमिन जो हम लॉगिन हुए हैं वो तो सेटिंग में PTCL की जो सेटिंग है वहाँ पे सेटिंग करने के लिए वो लॉगिन एडमिन और पासवर्ड यूज़ होता है, जो कि मोडेम की बैक साइड पर होता है। लेकिन एक होता है जब हम अपना मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वाईफाई जब हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो जो वाईफाई का पासवर्ड होता है वो यहाँ से हमने अब चेंज करना है, ठीक है। WPA पास फ्रेज, तो इसको हमने ऐसे वो करके जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपने टाइप कर देना है, और फिर उसके नीचे यहाँ पे विंडो में आके तो सबमिट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ये आपका सबमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो यूँ आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।